लोग को लोकल गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगी। देखो, सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि पंचायत क्या होती है। एक विलेज होता है या फिर एक वार्ड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इस ये बहुत सारे विलेजेस हैं या फिर वार्ड्स हैं, ठीक है। इनके अंदर से इनकी जो लोकल पॉपुलेशन है वो पंच को इलेक्ट करती हैं, ठीक है। तो जितने भी विलेज के लोग हैं जो कि वोट कर सकते हैं वो जाते हैं और इन पंचेस के लिए वोट करके आते हैं। तो पांच पंच होते हैं और एक सरपंच होता है हर एक विलेज का, ठीक है। देखो, अब क्योंकि जो पंचायत है उसके पंच जो हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं, तो वही लोग क्या करते हैं, साल में एक दो बार मीट करते हैं और उस पूरे के पूरे पंचायत की फंक्शनिंग, उस पूरे के पूरे पंचायत का बजट, वो सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेसिकली जितने भी लोगों ने उस पंचायत को वोट किया है, यानी कि जितने भी विलेज के मेंबर्स जिन्होंने जाकर उस पंचायत के सरपंच के लिए और पंचों के लिए वोट कराए, जितने भी विलेज के मेंबर्स हैं वो एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं और वो पंचायत की सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि पंचायत कैसे फंक्शन कर रही है, क्या पंचायत सही फंक्शन कर रही है, पंचायत के बिल्स, पंचायत के पूरे के पूरे मनी रिलेटेड बजट्स, सब कुछ डिस्कस होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, कॉमन विलेज के लोग, वो सब मिलते हैं, बैठते हैं और पंचायत की फंक्शनिंग को डिस्कस करते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। देखो, अब आप लोग ये देख रहे होंगे, ये टेबल है, ठीक है। अब आप लोग देखो, जितने भी पंचायत के मेंबर्स होते हैं अलग अलग विलेज के, वो मिलते हैं और वो एक साथ पंचायत समिति बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि वो दूसरे लोगों को इलेक्ट करते हैं जो कि पंचायत समिति के मेंबर्स बन सकते हैं। देखो, मैं आप लोग को स्टार्टिंग से समझाती हूँ। सबसे पहले पंचायत को किसने इलेक्ट किया? विलेज के लोगों ने, ठीक है। अब पंचायत समिति के लोगों को किसने इलेक्ट किया? पंचायत ने, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज़ ज़िला परिषद, ठीक है। अब आपने समझ लिया कि पंचायत समिति क्या होती है। देखो, अब जितनी भी पंचायत समिति हैं उसको जब मिला दें तो उसको बोलते हैं ज़िला परिषद, ओके। मैं आप लोग को वापस से समझा देती हूँ। विलेज के लोग जो हैं वो पंचायत को इलेक्ट करते हैं, वो जो पंचायत है वो जाकर पंचायत समिति को इलेक्ट करती है और जितनी भी पंचायत समिति हैं वो मिला के ज़िला परिषद बना देती हैं, ओके। ज़िला परिषद के अंदर पंचायत समिति के भी मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के भी मेंबर्स होते हैं, MLAs भी होते हैं और भी अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स भी होते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को एक बार दोबारा समझाना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कॉम्प्लेक्स लगता है। देखो, सबसे पहले विलेज के लोग पंचायत बनाते हैं, ठीक है। अब वो जो पंचायत के मेंबर्स हैं वो जाते हैं और एक पंचायत समिति इलेक्ट करते हैं। जब पंचायत समिति इलेक्ट हो जाती है तो उन बहुत सारी पंचायत समिति का, दैट इज़ बहुत सारे विलेजेस की पंचायत समिति का ग्रुप बन जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिस ग्रुप को बोला जाता है ज़िला परिषद। ज़िला परिषद के अंदर पंचायत समिति के मेंबर्स भी होते हैं और भी बहुत सारे ऑफिशियल्स, लोकसभा के मेंबर्स, MLAs, ये सब भी होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से गाँव में पंचायत्स होती हैं उसी तरीके से बिग सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं और टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, ओके। म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो हेड होता है वो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड मेयर होता है, ओके। उसके बाद आप लोग की बुक में बता रखा है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दी लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि आप लोग को पता है लोकल गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अभी आज के टाइम पे 36 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायत्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, इन सब में। लोकल गवर्नमेंट खुद को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, वुमेन मेंबर्स को भी अपने अंदर इंक्लूड कर रही है। एट द सेम टाइम बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी हैं कि वहाँ पर इलेक्शंस नहीं होते रेगुलरली। ग्राम सभाज जो हैं, ग्राम सभाज जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, एक ग्राम पंचायत की फंक्शनिंग डिस्कस करने के लिए होती है, ग्राम सभा रेगुलरली नहीं हो पाती है। और बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है अपना पावर और रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली लोकल गवर्नमेंट के साथ नहीं शेयर कर पाती है। तो इसीलिए अभी देयर इज़ स्टिल लॉन्ग वे टू गो ताकि एक सक्सेसफुल लोकल गवर्नमेंट इंडिया जैसी कंट्री में बन सके। सो दैट इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप ये पूरा चैप्टर आप लोग को समझ आया। अगर समझ आया तो प्लीज़ डू अ फेवर, प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड डोंट लीव विदाउट गिविंग अ लाइक। एक लाइक दे के चले जाना प्लीज़, इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।